हेलो गाइस, क्रिकेट क्रिकेट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में। जी हाँ, आप तो हमेशा सोचते थे कि हम इंडियन टीम के बारे में बात करते हैं, इंडियन टीम से रिलेटेड टॉपिक्स पे एनालिटिक्स करते हैं, और आज ऑस्ट्रेलिया टीम कैसे जा रहा है। जी हाँ, कुछ तो अलग हो ही रहा है जो हम उनके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कि उनकी परफॉर्मेंसेस को हो गया है, क्या उनका एरा अब खत्म हो चुका है। जब हमारी जनरेशन बड़ी हो रही थी, हमने तो क्रिकेट देखना शुरू किया था, तो हमको तो ये लगता था जब ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो ये जिस टीम का भी मैच हो, जैसे इंडिया का भी मैच हो, तो ऑस्ट्रेलिया की जीत तो पक्की है। जिसने किसी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऐसा लगता था कि उसने वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि हम लोग सोचते कि उसको हराना आसानी नहीं, नामुमकिन है। तो इधर पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया है, क्या उनका और अब खत्म हो चुका है, क्या उनका वो नेवर से डाई एटीट्यूड खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं उनकी टीम कंपोजिशन के बारे में, उनकी टीम कैसे से कैसे चेंज हो गई। पहले उनके पास एग्रेसिव ओपनर्स थे एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेज जैसे, अब उनके पास डेविड वॉर्नर है जो कि बैन है, एरन फिंच है जो कि इनकंसिस्टेंट है, वो बिग हैंड डैडी हैंड हिट्स नहीं बना पाते। तो फिलहाल उनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन खत्म हो गया जैसे उनका पहला हुआ करता था, अब उसके मुकाबले में उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो बात नहीं रही। टीम पे उनके लिए उस ज़माने में आया करते थे रिकी पॉन्टिंग, अब टीम पे स्टेवन स्मिथ आया करते थे, वो तो बेचारे बैन में है, तो टीम पे कोई से बैट्समैन है ही नहीं। कभी आप ट्रैवल्स हेड को भेज रहे हैं, कभी स्टोरेज को भेज रहे हैं, तो ये एक और कारण है कि उनका डिमाइस हो चुका है कि उसमें वो उस टीम में वो बात नहीं रही। अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर में पहले उनके पास हुआ करते थे डेमिन मार्टिन जैसे बैट्समैन, एंड्रू साइमन जैसे धुआंधार ऑलराउंडर जो 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे। अब क्या हो गया है, अब उनके पास 5-6-7 पे कोई खास बैट्समैन है ही नहीं जो कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दे पाए। ना कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में अलग चीज़ है, वो कंसिस्टेंटली टीम में भी नहीं आ पाते हैं। अब ट्रैविस हेड को देख लो, आप 5-3 मैच खिलाते हो, मैथ्यू वेट को फिर ले आते हो एज अ विकेट कीपर, पहले विकेट कीपर उनका एडम गिलक्रिस्ट हुआ करता था, वो तो स्टेबल था ही था, तो उनके पास एक ओपनर और विकेट कीपर एक साथ हुआ करता था, अब उनको एक स्पेशलाइज विकेट कीपर खिलाना पड़ता है। अब आजकल टिम पेन से काम चलाना पड़ रहा है, जी हाँ, कहेंगे तो यही काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि टिम पेन की परफॉर्मेंसेज उनको इतनी अच्छी नहीं लगी कि हम ये कहें कि एक धुआंधार या रिलायबल बल्लेबाज है, उनको आप कैप्टन बना दो, उनको वाइस कैप्टन बना दो, एक अलग चीज़ है। बट फिलहाल उनकी परफॉर्मेंसेज देख के हम ये नहीं कह सकते कि वो उस स्टार ऑस्ट्रेलियन टीम के पार्ट होते अगर वो उस ऑरा में होते। तब भी बात करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर सेक्शन की, तो स्टोइनिस 10 ओवर में रन लीक करते ही करते हैं, साथ ही साथ बैटिंग में अगर वो रन भी बना रहे हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट 80-90 रहती है। अब कंपेयर करें एंड्रू साइमन से, वो फास्ट और स्पिन दोनों कराते थे, 10 ओवर में 1-2 विकेट तो ज़रूर ले ही जाते थे, साथ ही साथ वो रन भी कंसिस्टेंटली बनाते थे, तो ऑलराउंडर का जो उनका सेक्शन है वो वहाँ भी पूरा ब्लैंक दिख रहा है। बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जी हाँ, ये डिपार्टमेंट उतना चेंज नहीं हुआ है, बस फर्क एक है, उस समय के लोग मजबूत थे, हर मैच के बाद जॉर्डन नहीं होते थे। उस समय हम ग्लेन मैकग्रा को देखते थे, शेन वॉन को देखते थे, ब्रैड हॉक को देखते थे, उनके पास बेन हेल्फिनॉक्स जैसे बॉलर थे, नाथन ब्रैकन जैसे बॉलर थे, जो कि इंजर्ड होते थे तो कितना 10 मैच के लिए 15 मैच के लिए तब इंजर्ड हो गए या रेस्ट ले ली। अब यहाँ पे हम स्टार्क को देख लें, कमिंस को देख लें, हैजलवुड को देख लें, हर 2-3 मैच के लिए इंजर्ड हो गए, 2-3 सीरीज से बाहर हो गए, तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम का ऑरा इसलिए तो डाउन हुआ है क्योंकि फास्ट बॉलर से आपका सबसे मजबूत शख्स है, उसके बाद उस जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन को अगर आप इस तरह वो इंजर्ड हो गए तो फिर टीम में जो धार थी वो भी बंद हो रही। तो हम तो यही कह सकते हैं अगर आप बांग्लादेश या अफगानिस्तान से इनकी सीरीज करा दें सब कॉन्टेंट कंडीशंस पे, तो ऑफकोर्स ये टीम शायद उनको हरा दे। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है बट हाँ, फिलहाल तो मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम को देख के यही लग रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को 2-3 चीज़ों पर काम करना चाहिए, पहली चीज़ तो अपने बॉलर्स की फिटनेस रन को मेंटेन करना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए किस तरह अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें। मिडिल ऑर्डर में 1-2 रिलायबल बैट्समैन चाहिए, जी हाँ, भले वो चलिए 100 के ऊपर रन नहीं बना रहे बट हाँ, हर मैच में कंसिस्टेंटली अगर वो 60-70 रन बना रहे तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक रिलायबिलिटी मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। टॉप ऑर्डर की फिर से हम बात करें तो वार्नर एक बेशक अच्छे बल्लेबाज है, फिंच हम देखते हैं कि हर सीरीज में 2-3 बड़ी इनिंग खेलते हैं बट वो बड़ी इनिंग 80-90 होती है, वो डैडी हंड्रेड्स नहीं बना पाते, तो उनको फोकस करना चाहिए कि कैसे वो डैडी हंड्रेड्स बनाएं। डेविड वॉर्नर अभी वापसी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं बट उनको काम चलाना पड़ रहा है कुछ यंग प्लेयर्स है, तो वो ऐसा प्लेयर लाएं जिसने थोड़ा सा जो यंग हो, थोड़ा सा एग्रेसिव हो और कहीं ना कहीं उसको टीम में अपनी
जगह की परवाह हो। तो फिलहाल क्रिकेट कीड़ा का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो अपने डिवाइस पे जा चुकी है, फिलहाल तो हम उनको 19 का एकदम प्राइम कंटेंडर्स नहीं देख पा रहे। हमें तो डिफेंडिंग चैंपियंस कहने में भी लग रहा है कि क्या वो डिफेंडिंग चैंपियंस वाकई में वो नाम उन पर टैक्स सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करे जो हमने बताया कि बॉलिंग सेशन का फिटनेस चार्ट मेंटेन करें, मिडिल ऑर्डर में स्टेबल बैट्समैन लाएं, स्ट्राइक रेट पर ध्यान ना दें क्योंकि उनके पास स्टार्क और हैजलवुड भी आखिरी में रन बना सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, स्टार्क में कोई 530-40 बना सकते हैं, तो उस स्ट्राइक रेट को मैनेज कर लेंगे और एक रिलायबल विकेट कीपर लेके आए हैं। अब आप बीबीएल देखते हैं, बीबीएल में आपके पास 2-3 अच्छे विकेट कीपर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस देते हैं, स्ट्राइक रेट देते हैं, बट आपको मैनेज करना है कि उनकी एज कैसी है और वो कैसे मैनेज करें अपने कंडीशंस को, उस कंडीशन में कैसे एक्लिमेटाइज हों, कहीं विद द फ्लो बहना चाहें। और टॉप ऑर्डर की मैं आपसे बात कर ही चुके हैं कि उनके पास तेज को उनको गाइड करना चाहिए कैसे डैडी हैंडर्स बनाए, वार्नर को गाइड करना चाहिए अगर जब वो वापसी करेंगे कि किस तरह अब वो वाइस कैप्टन की जो टैग उन पे है उसको वो मेनटेन करें। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि टीम पे उनको एक स्टेबल बैट्समैन चाहिए, अगर जब तक स्पिन नहीं है तब तक वो उनको कोई ऐसा एक जैसे जॉर्ज बेली को ले आइए, कैमरन वर्ल्ड को ले आइए, वो एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे मैनेज करना है। और ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ा से 1-2 पुराने पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम पीछे नहीं गए तो फिर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो एक्सपीरियंस इज रियली मेन, एज नंबर 3 बैट्समैन एक एक्सपीरियंस बैटर होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल हमारा ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ही स्पेशली था। इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर करें और अपनी फैमिली को भी दिखाएं, और कोई अपने कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स, फीडबैक भी मेंशन करिए, और बेल आइकन जो दिख रहा है घंटी वाला उसको टैप कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द बाय बाय।